गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की व्याख्या करेंगे। आज के इस कालांश में जिस पद की हम व्याख्या करेंगे वो राम बृह वर्णन से संबंधित है। जो पद है व्याख्या के लिए वो इस प्रकार है, कछु जननी दे परतीति जासो रामचंद्र ही आवई, शुभ शीश की मणि देई ये कही सुयस तब जग गावही। सब काल है हो अमर अरु तुम समर जय पद पाइयो, सूत आजू ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइयो। बच्चों देखिए, पहले के पदों में हमने देखा वो पद सीता हनुमान संवाद से संबंधित थे। सीता जी किस प्रकार हनुमान जी से परिचय जानना चाहती है, इस पद में हनुमान जी सीता जी से आशीर्वाद लेता है। तो संदर्भ एवं प्रसंग की हम बात करें तो यह पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के सीता हनुमान संवाद से संबंधित है। हनुमान जी द्वारा कोई निशानी देने की प्रार्थना करने पर सीता जी ने अपना शीश फूल देते हुए हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया, उसी प्रसंग का वर्णन इस पद में कवि केशवदास जी ने किया है। हम व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार है कि कछु जननी दे परितीति, हनुमान जी ने सीता जी से यह प्रार्थना की कि जननी हे माता, जननी यानी जन्म देने वाली, हे माता अपनी कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिस से प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए। आप अपनी ऐसी कोई वस्तु मुझे सौंपिए जिसको मैं श्री राम को दिखाऊं तो उन्हें यह विश्वास हो जाए। तब सीता जी ने अपना शीश फूल हनुमान जी को दे दिया और कहा, यह कही और सीता जी ने क्या कहा, सुयस तब जग गावे कि हे पुत्र, यह संसार तुम्हारी कीर्ति का तुम्हारे यश का गावे यानी गान करता रहेगा। इसके साथ और सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि सब काल है वो अमर, इसके साथ ही तुम सभी कालों में अमर रहोगे और तुम समर जय पद पाइयो, और इसके साथ ही समर यानी युद्ध में जय पद यानी विजय को प्राप्त करते रहोगे कि इसके साथ ही तुम युद्ध में विजय को प्राप्त करते रहोगे। हे सुत, सुत यानी पुत्र, हे पुत्र आजुते कि आज से ही तुम रघुनाथ के परम भक्त कहलाओगे कि हे पुत्र आज से ही तुम रघुनाथ के प्रभु श्री राम के परम भक्त कहलाओगे। विशेष की बात करें तो हनुमान जी की निष्ठा को देखकर सीता जी ने उसे प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दिया वो एक प्रकार से सीता जी के उदात्त हृदय का परिचय देता है। दूसरा बिंदु विशेष का होगा वो है इस पद में हरि गीति का छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।